गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन इट एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। ओके, इन दिस वी लर्न अबाउट नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की। ओके, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर। हाउ कैन वी व्यू अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल? सो सबसे पहले इसको देखते हैं कि हम जब एक बार टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को अगर हम मान लीजिए देखना चाहते हैं कि हमने किस टाइप की टेबल का, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का था, उसमें कॉलम्स नेम किस नेम से थे उसके कॉलम, और उसकी जो डेटा टाइप्स थे वो किस टाइप के थे, तो वो सारी डिटेल्स अगर हम देखना चाहते हैं सो वी यूज़ DESCEND, दैट इज़ अ डिस्क्राइब कमांड एज फॉलोज, है ना। डिस्क्राइब और आपको वहाँ पर टेबल का नेम राइट करना होता है, तो आपको वो पूरा स्ट्रक्चर उस टेबल का पता चल जाता है कि इसमें हमने डेटा टाइप्स किस टाइप का लिया है, उनकी रेंज कितनी है, या उसका कॉलम नेम किस नेम से है, उसमें क्या क्या एंट्रीज हमने उसमें करनी है। तो ये सब हमें DESC, या तो सिंपल हम टाइप कर सकते हैं DESC एम्प्लॉय और डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो बोथ आर सिमिलर कमांड्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्टिंग डेटा इनटू अनदर टेबल। अब हमें अगर डेटा अनदर टेबल में, अभी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में वी टॉक अबाउट इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल, है ना। अब नाउ अनदर टेबल में कैसे इंसर्ट करना है, सी हियर, यू ऑलरेडी नो दैट डेटा इज एडेड टू टेबल यूजिंग इंसर्ट इनटू कमांड। ऑलरेडी हमें पता है कि इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू ही हम हमारे डेटा को टेबल में एंटर कराते हैं, है ना। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, अब आप क्या करा रहे हो, एम्प्लॉय टेबल में डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं, तो एम्प्लॉय के बाद में हमें वैल्यूज देना होती है कि भाई क्या वैल्यूज एंटर करनी है। सो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एम्प्लॉय ई नंबर, उसके बाद ई नेम, उसके बाद सेक्स, वो आपका मेल है या फीमेल है, वॉट एवर, नेक्स्ट E4, और आपके वहाँ पर फिर लास्ट में ग्रोस आ गया। तो ये हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर था वो इस टाइप से हम करा सकते हैं, या फिर हमें ओनली 2-3 कॉलम्स में ही वैल्यू एंटर करनी है तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो या तो आप पूरा टेबल जो आपने फील्ड्स क्रिएट करे हैं उसमें जो आपने कॉलम्स बनाए हैं उन पूरे कॉलम्स को हम फिल कर सकते हैं, या फिर हम उसमें 2-3-4 जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं कॉलम्स में हम जो एंटर करना चाहते हैं एंट्रीज वो वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं आपको पूरा ही उसमें डेटा एंटर करना है, है ना। तो जिस टाइप का स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर रखा है उसी फॉर्मेट में आप डेटा को एंटर करते हैं, क्लियर। सो इंसर्ट कमांड कैन ऑल्सो बी यूज टू टेक और डिराइव वैल्यूज फ्रॉम वन टेबल एंड प्लेस देम इन अनदर बाय यूजिंग इट विद अ क्वेरी, to do this simply replace the values clause with an appropriate query as shown in the following example। तो ये वाला जो था ये तो हमें पता था ऊपर कि insert into command के use से हम हमारे table में data को enter करा सकते हैं, insert करा सकते हैं, but अगर अब हमें another table में करना है तो क्या करना है, insert into branch one। अब ये एक branch one एक table है, हम क्या कर रहे हैं, insert into branch one कर रहे हैं, फिर हमने यहाँ पर एक select clause लिया। अब ये select स्टार फ्रॉम ब्रांच टू, तो क्या कर रहा है वो कि ब्रांच टू यानी अनदर टेबल से जो डेटा है वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा ब्रांच वन में, ठीक है। ब्रांच इंसर्ट इनटू ब्रांच वन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच टू, अब ब्रांच टू में जो हमने एस्टेरिस्क साइन लिया है, स्टार जो यहाँ पर लिया है फ्रॉम से पहले, तो इस स्टार का क्या वर्क बताया था मैंने आपको कि ये पूरे होल डेटा को उस पूरी टेबल में जितनी भी वैल्यूज हैं उन पूरी डेटा को कॉपी कर लेगा, और कॉपी सेलेक्ट करके और कहाँ पर एंटर कर रहा है वो फर्स्ट वाला जो ब्रांच वन जो टेबल है उसमें वो पूरे डेटा को इंसर्ट करा देगा। सो वेयर ग्रोस ग्रेटर देन 7000, जहाँ जहाँ 7000 ग्रोस है उस पूरे डेटा को ये जो है आपका इंसर्ट ग्रोस जो टेबल वन है ब्रांच वन की जो टेबल है उसमें एंटर करा देता है। सो इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल दोज रोज फ्रॉम ब्रांच टू दैट हैव ग्रोस मोर देन 7000 एंड इंसर्ट दिस प्रोड्यूस्ड रिजल्ट इनटू द टेबल ब्रांच वन। वही सेम चीज़ 7000 जहाँ जहाँ भी है उस पूरे टेबल में उन पूरी वैल्यूज को ये जो है ब्रांच वन की टेबल में इंसर्ट करा देगा। सो बट फॉर अबव कमांड टू वर्क टेबल नेमली ब्रांच वन मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ द डेटाबेस। अब आपको क्या देखना है कि जो ब्रांच वन है वो पहले से ही बनी हुई टेबल है, हमने अगर ब्रांच वन डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट इनटू करा तो सबसे पहले आपको ब्रांच वन को क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ क्रिएट
टेबल, और टेबल का नेम हमें ब्रांच वन देना होगा, उसके बाद में हमें उसकी जो भी डेफिनेशन है वो सारी देनी होती हैं। तो पहले हमें टेबल को क्रिएट करना है, उसी पैटर्न पे क्रिएट करना है जिस अनदर टेबल का जो हम डेटा उसमें कॉपी कराना चाहते हैं या उसमें शो कराना चाहते हैं। तो पहले आपको वो टेबल क्रिएट तो करनी होगी ना, तो पहले हमें क्या करना है, ब्रांच वन ऑलरेडी एग्जिस्ट होने चाहिए हमारे डेटाबेस में, या तो हम उसे पहले बना लें, नहीं तो पहले से उसको सेट करके रखें जो भी जिस टेबल में आपको डेटा कॉपी करना है या इंसर्ट करना है। ठीक, तो ये था आपका इंसर्टिंग डेटा इनटू अनदर टेबल। इसमें सिंपल बस इस क्वेरी को आपको याद रखना है कि ये जो क्वेरी है ये इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट इनटू ब्रांच वन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच टू वेयर, वेयर क्लोज हम देते हैं कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो कंडीशन क्या दी, यहाँ पर ग्रोस ग्रेटर देन हो 7000 से, तो जहाँ जहाँ 7000 से ग्रोस ग्रेटर देन होगा वो सारा डेटा आपका ब्रांच वन में स्टोर हो जाएगा। मॉडिफाइंग डेटा इन टेबल्स, अब डेटा को हम मॉडिफाई करना चाहें कि भाई मैं मान लो कोई वैल्यूज जो है उसको चेंज करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ, है ना, तो वो हम कैसे करेंगे, लाइक एडिटिंग। ठीक है, सो यू कैन मॉडिफाई डेटा इन टेबल यूजिंग अपडेट कमांड। ये जो कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ इन कमांड्स को ही आपको मेमोराइज रखना है, प्रैक्टिकली आपको अगर एग्जामिनर पूछता है कि अपडेट कमांड या हाउ कैन वी मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल्स, तो आपको बताना पड़ेगा सर वी यूज अपडेट कमांड। इस टाइप से आपको कमांड्स का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, सिंटैक्स भी पता होना चाहिए, और वो कमांड्स किस टाइप से वर्क करेगी वो आपको डिटेल थोड़ा मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको याद करिए, मेमोराइज करिए। तो यू कैन मॉडिफाई डेटा इन टेबल्स यूजिंग अपडेट कमांड का यूज़ करके हम हमारी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अपडेट कमांड के यूज से ही हमारी जो रोज होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, अपडेट कमांड से हमारी टेबल की जो रोज हैं वो चेंज हो रही हैं, वेयर क्लोज एंड द न्यू डेटा यूजिंग द सेट कीवर्ड्स। इसमें क्या होता है, वेयर क्लोज के साथ में हम रोज को चेंज करते हैं, टेबल में रो और कॉलम होते हैं, तो अपडेट कमांड से हम ओनली रो को चेंज कर रहे हैं, तो इसके साथ में एक सेट कीवर्ड भी हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है, SET सेट। ठीक है, सो द न्यू डेटा कैन बी स्पेसिफाइड constant an expression or data from other tables, for example to change the recorder level ROL of all items to 250 you would write। अब आपको क्या करना है, ये ROL टेबल में वो है कॉलम है उसको हमें अपडेट करना है, चेंज करना है 250 सब में जहाँ पर भी। तो देखिए, अपडेट आइटम्स सेट ROL इक्वल्स टू 250, तो अब ये पूरे में अपडेट कर देगा। तो टू अपडेट द ROL एंड जो मैंने आपको बताया था क्वांटिटी ऑन हैंड फॉर आइटम्स हैविंग आई कोड लेस देन I040 वी शैल राइट अपडेट आइटम्स सेट रोल इक्वल्स टू 400 QOH इक्वल्स टू 700 वेयर आई कोड I040 जहां पर आई कोड ये हो तो उसका सेट क्या कर दो, रोल ROL तो उसका 400 कर दो और QOH इक्वल्स टू 700 कर दो। ये हमने एक कमांड दे दी कि हमारी टेबल में मान लीजिए आपका जो कोड होता है प्रोडक्ट का, जो कोड होता है ना, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है डेटाबेस में, जब किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्शन कंपनी का हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका एक आइटम कोड होता है और आइटम कोड के बाद में ROL है उसका। ठीक है, देन आफ्टर QOH, तो वो हमें क्या करना है, जहाँ पर आई कोड I040 है उस कि सेट क्या कर दो, रोल जो है उसका ROL उसको कर दो 400 और जो आपका क्वालिटी ऑन हैंड है उसको कर दो आप 700। तो इस टाइप से आपको अपडेट कमांड का यूज़ करना होता है। अब ये क्या होगा, उस रो के उसमें जो भी डेटा हमने यहाँ पर एंटर कर रखा है, जो ROL पहले का होगा ना उसका, वो चेंज हो जाएगा 400 में, और जो QOH मान लीजिए कुछ भी था उसमें वो क्या अपडेट हो जाएगा, 700 हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपका आइटम I040 है। नेक्स्ट, टू डबल द ग्रोस पे ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ग्रेड E3 एंड E4 यू यूज द कमांड अपडेट एम्प्लॉई सेट ग्रोस इक्वल्स टू ग्रोस इनटू 2 वेयर ग्रेड E3 और ग्रेड E4 जहां पर ग्रेड E3 और E4 थे उनकी सेट क्या कर दो एम्प्लॉई की टेबल में से, ग्रोस इक्वल्स टू ग्रोस इन मल्टीप्लाई 2 कर दो, यानी डबल ग्रोस कर दो उनकी। ठीक है, तो इस टाइप से वी यूज अपडेट कमांड, बहुत सिंपल है, बस आपको इनका स्ट्रक्चर और एक एग्जांपल
अच्छे से मेमोराइज करना है सभी कमांड्स का, जो भी हमने कंस्टेंट्स देखी है एसक्यूएल में अभी, या हम अब कमांड्स देख रहे हैं ना। सो इन कमांड्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल। अब देखो इसमें जो आपका एसक्यूएल है, इसमें एक तो डिलीट कमांड है और एक है ड्रॉप कमांड, ठीक है। डिलीट कमांड से क्या हो रहा है कि आपके जो डिलीट कमांड क्या है, डेटा सम डेटा फ्रॉम टेबल्स, अगर हमें टेबल में से कुछ ही डेटा को डिलीट करना है सो वी यूज़ डिलीट कमांड, और अगर हमें पूरी टेबल को ही डिलीट करना है सो वी यूज़ ड्रॉप कमांड। तो मोस्टली इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जामिनर या एग्जाम में भी ये चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड, या हम अगर टेबल को डिलीट करना चाहते हैं सो विच काइंड ऑफ कमांड वी यूज़। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो डिलीट कमांड का ही जो है आंसर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट अ टेबल, कम्प्लीटली टेबल को ही हम डिलीट करना चाहते हैं सो वी यूज़ ड्रॉप कमांड। अदरवाइज अगर हमें डेटा सम डेटा डिलीट करना है टेबल में से, लाइक रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करनी है, कोई सिंगल वैल्यू डिलीट करनी है, सो वी यूज़ डिलीट कमांड, है ना। सो डिलीट सम डेटा फ्रॉम टेबल्स यू कैन यूज़ एसक्यूएल डिलीट कमांड। द डिलीट कमांड रिमूव्स रोज फ्रॉम अ टेबल, दिस रिमूव्स द एंटायर रोज नॉट इंडिविजुअल फील्ड वैल्यूज, सो नो फील्ड आर्गूमेंट इज नीडेड और एक्सेप्टेड। क्लियर हुआ कि आपका जो डिलीट कमांड है वो क्या कर रहा है, एंटायर रो को ही डिलीट कर देता है। सी हियर एग्जांपल स्ट्रक्चर देखिए इसका, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम आपको देना होता है, वेयर जो प्रिडिकेट आपको यहाँ पर जो वैल्यूज के भाई हमें यहाँ अगर इस कंडीशन से मैच हो रहा है तो आपको वो पूरी रो डिलीट कर देनी है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कंडीशन दी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रोस लेस देन 2000, है ना। तो अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ ग्रोस 2200 है वहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में से उसको डिलीट कर देगा उस वाली रो। सो इफ़ यू स्पेसिफाई नो कंडीशन विद वेयर, अगर हमने यहाँ पर समझो कि आपने कंडीशन नहीं दी है सो देन ऑल द रोज ऑफ द टेबल विल बी डिलीटेड। अगर आपने ये कंडीशन नहीं दी वेयर ग्रोस लेस देन इक्वल्स टू 2200, तो अगर हम ऐसी कंडीशन नहीं देते हैं, वेयर क्लोज का यूज़ नहीं करते हैं, तो वेयर क्लोज का यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या कर देगा, डिलीट फ्रॉम टेम जो आपका ये है ना, यही कि ये वाला ही ओनली लाइन एग्जीक्यूट होगी कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में जितनी भी रोज हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो हमें वेयर के साथ में कंडीशन भी देनी होती है कि हमें भाई क्या डिलीट करवाना है, कौन सी रो डिलीट करनी है। ओके, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट देखिए आप, अल्टरिंग टेबल्स। अब अल्टरिंग टेबल्स का यूज़ करना है तो हमें क्या देना है, अल्टर टेबल कमांड इज़ यूज टू चेंज डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल, यूजुअली इट इज़ यूज टू ऐड कॉलम्स टू अ टेबल, समटाइम इट इज़ यूज टू डिलीट कॉलम्स और चेंज देयर साइजेज। इन जनरल MySQL SQL अल्टर टेबल कमांड इज़ यूज, सिंपल समझ लीजिए कि अल्टर कमांड जो है वो आपके टेबल की जो डेफिनेशन होती है, यानी हम जो उसमें डिफाइन करते हैं कि इस टाइप का डेटा टाइप आएगा, नॉट नल आएगा, नल आएगा, वो सारी चीज़ें उसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यूजुअली इट इज़ यूज टू ऐड कॉलम्स टू अ टेबल, अल्टर कमांड मोस्टली जो यूज़ होती है वो क्यों होती है कि उसमें हम कॉलम्स को ऐड करा सके। ओके, सम टाइम इट इज़ यूज टू डिलीट कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पर जो डिलीट कमांड में हम ओनली रोज पे वर्क कर रहे थे, तो अल्टर कमांड में हम इसमें जो टेबल है आपकी उसमें कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं और कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो MySQL अल्टर टेबल कमांड इज यूज टू ऐड कॉलम्स टू ऐड एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट टू रिड्यूस अ कॉलम, यानी हम कॉलम को साइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं कॉलम्स को, तो इसलिए हमें अल्टर कमांड का यूज़ करना होता है। सो अल्टर कमांड इज़ यूज टू ऐड कॉलम्स एंड डिलीट कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल्स। नेक्स्ट देखिए अल्टर कमांड का सिंटेक्स, यू कैन यूज अल्टर टेबल फॉर एडिंग कॉलम्स एज फॉलो। सबसे पहले अल्टर कीवर्ड आपको यूज़ करना है जो अल्टर कमांड है, और आपको वहाँ पर फिर टेबल, अल्टर टेबल
या आपको यूज़ करना है, फिर उसके बाद में टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम होगा वो, और उसमें आप कौन सा कॉलम्स को ऐड कराना चाहते हैं, उसका डेटा टाइप किस टाइप का होगा, साइज़ क्या रहेगा, ठीक है, कंस्ट्रेंट नेम वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरी टेबल का, ये आपका एक सिंटेक्स हो गया कि हमें अगर अल्टर कमांड का यूज़ करना है तो वी यूज़ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि अल्टर टेबल और एम्प्लॉय वन। अब आप कौन सी टेबल में कर रहे हैं चेंज, क्या अल्टर कर रहे हैं आप, एम्प्लॉय वन में हम टेबल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐड, क्या ऐड करना है हमें, टेलीफोन नंबर इंटीजर नाम से एक कॉलम वहाँ पर ऐड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, टू ऐड अ न्यू कॉलम टेलीफोन नंबर, इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा उसमें एंटर होगा। तो उसको हमने अगर अल्टर कमांड से हम हमारी टेबल में कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं तो वो हमें ये कमांड वहाँ पर टाइप करनी होगी कि अल्टर टेबल एम्प्लॉय, जो टेबल का नेम है एम्प्लॉय वन, उसमें क्या ऐड कर दीजिए, टेलीफोन नंबर इंटीजर टाइप का ऐड कर दीजिए। तो हमने डेटा टाइप सबसे पहले कॉलम नेम दे दिया टेलीफोन नंबर, और उसके बाद में डेटा टाइप डायरेक्टली हमने दे दिया इंटीजर टाइप का डेटा वहाँ पर एंटर होगा। तो ये होता है आपका अल्टरिंग टेबल, यानी हम किसी कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने ऐड कीवर्ड का यूज़ कर लिया। ओके, सो टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम्स ऑफ अ टेबल अल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिंटैक्स। अब एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम्स को हम चेंज कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई करना है, तो उसमें क्या करना होगा, अल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम का नेम देना होगा, और न्यू डेटा टाइप, न्यू साइज, जो भी आपको वहाँ पर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखो ये यहाँ अल्टर टेबल एम्प्लॉय वन में वही सेम जो है उसमें हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, जॉब कैरेक्टर टाइप का होगा और 30 उसकी रेंज होगी, जो साइज होगा उसका वो 30 कैरेक्टर का होगा। तो ये यहाँ पर आपका इस टाइप से डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, समटाइम्स यू मे नीड टू चेंज द नेम ऑफ वन ऑफ योर कॉलम्स। अगर हमें किसी कॉलम्स का नेम चेंज करना है सो कैसे करेंगे, सी अल्टर टेबल वही चेंज कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम आ जाएगा, और उसकी डेफिनेशन जो भी आपको वहाँ पर चेंजेस करने होंगे तो वो इस टाइप से होगा। यहाँ पर देखिए आप अल्टर टेबल कस्टमर, हम कौन सी टेबल जो है कस्टमर टेबल में अल्टर कर रहे हैं, जहाँ पर हमें फर्स्ट नेम को चेंज करना था, फर्स्ट नेम वर्क कैरेक्टर 20। अगर मान लो फर्स्ट नेम पहले हमने 30 ले रखा था या 10 ले रखा था, और उसमें फर्स्ट नेम थोड़ा सा जो है साइज एक्सेस एक्सीड हो रहा था, उससे ज़्यादा हो रहा था, तो हम क्या कर रहे हैं, अब उसमें वर्ड कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर जो ले रहे हैं हम डेटा टाइप्स, वो 20 उसकी हमने साइज दे दिया, तो अब फर्स्ट नेम 20 उसमें कैरेक्टर का आ सकता है। तो इस टाइप से हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं कि हम जो है कॉलम्स को ऐड भी करा सकते हैं, कॉलम्स को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कॉलम्स के नेम को चेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं, पूरा उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो अल्टर कमांड मोस्टली यूज फॉर कॉलम्स, इतना समझ लीजिए, और आपका जो डिलीट कमांड था वो आपका ओनली वर्क फॉर रोज, ऐसा समझो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ड्रॉपिंग टेबल्स, जो मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं तो उससे हमारी पूरी पूरी टेबल डिलीट हो जाती है। तो ये टेबल हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, अगर मान लो कोई पूरी टेबल को ही डिलीट करना है हमें, तो ड्रॉप टेबल कमांड्स लेट्स यू ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। द सिंटेक्स फॉर यूजिंग अ ड्रॉप टेबल कमांड इज ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, उस टेबल का नेम बताना है, तो ड्रॉप टेबल आइटम्स। वंस दिस कमांड इज गिवन द टेबल नेम इज नो लॉन्गर रिकोगनाइज एंड नो मोर कमांड्स कैन बी गिवन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अगर आपने ड्रॉप टेबल और उसका नेम राइट कर दिया तो वो पूरी की पूरी टेबल वहाँ पर से डिलीट हो जाएगी आपके डेटाबेस से, और वो उसको आप फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते। सो द इफ एग्जिस्ट क्लोज ऑफ ड्रॉप टेबल चेक वेदर द गिवन टेबल एग्जिस्ट इन द डेटाबेस और नॉट। इफ इट डज देन इट ड्रॉप्स द मेंशन टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्लेयर्स। तो इस टाइप से आप अपनी टेबल्स को ड्रॉप कर सकते हैं, उसमें डेटाबेस में से उसको पूरी टेबल को एक ही बार में डिलीट करा सकते हैं। तो दैट इज़ योर नॉर्मली कमांड्स हैं। उसके बाद में हम कल बात करेंगे एसक्यूएल जॉइंस की। ओके, तो एक बार वो रिवाइज कर लें, डेटा इनटू अनदर टेबल इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं, मॉडिफाइंग करना है तो हम अपडेट कमांड का यूज़ कर रहे हैं। ओके,
डिलीट कमांड का यूज़ कर रहे हैं डेटा को, रो में से अगर किसी भी डेटा को हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। अल्टरिंग करना है, अल्टर कमांड का यूज़ हो रहा है फॉर कॉलम्स के लिए। ड्रॉपिंग टेबल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ड्रॉप हो जाएगी हमारी जो टेबल है, एक्चुअल टेबल जो है वो पूरी की पूरी डेटाबेस में से डिलीट हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। नेक्स्ट टुमारो वी विल टॉक एसक्यूएल जॉइन। जॉइन क्या होते हैं, टू टेबल्स में जो हम जॉइन क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। सो इतना जो आपको आज बताया गया है बेटा, इसको अच्छे से करिए और देखते हैं एक बार, थोड़ा देख लीजिए इसमें कि जॉइन सेक्चुअल में होते क्या हैं। सी द एसक्यूएल जॉइन इज अ क्वेरी दैट फेचेस डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स हुज रिकॉर्ड आर जॉइंड विद वन अनदर बेस्ड ऑन अ कंडीशन। द कॉमन सिंटैक्स फॉर गेटिंग जॉइंस ऑफ टू और मोर टेबल इज सेलेक्ट फील्ड लिस्ट फ्रॉम टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री। अगर हम मल्टीपल टेबल्स को एक साथ ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है उसमें सिंगल टेबल नहीं होती है, मल्टीपल टेबल्स होती हैं, तो उन मल्टीपल टेबल्स को हमें आपस में रिलेशन क्रिएट करना होता है, क्योंकि RDBMS जो हमने बोला था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जिसमें हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि अगर हम मल्टीपल टेबल्स को एक साथ ज्वाइन कराना चाहते हैं कि भाई उनके जो डेटा है वो आपस में रिलेटेड हो, तो उसके लिए हम SQL जॉइंस का यूज़ करते हैं। अब इसमें यहाँ पर जॉइंस जो हैं आपके मोस्टली 4-5 टाइप्स के हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इक्वल जॉइन है, इनर जॉइन है, नेचुरल जॉइन है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। तो इसको मैं आपको कल बात करेंगे, इसके लिए भी हम सारी चीज़ें, बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की वजह से मैंने इसको थोड़ा बता दिया। नेक्स्ट इसमें अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हों, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो यू कैन कॉल मी, आप सबको पता है, और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे सबमिट कराइए जल्दी से, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस।